भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो इन्होंने हमारे नेता के साथ एक अब नहीं है और विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस अभी यहाँ पर पहुंचना शुरू हुई है, आला पुलिस अधिकारी कुछ यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर नहीं है और धरने पर ये लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि पूरे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स का एक जवान जो है वो हमें सामने दिख रहा है, जो कि वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस फोर्स यहाँ पर नहीं पहुंची है। इसके चलते अभी भी ये जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो पूरा बवाल जो है वो इस समय ईडी दफ्तर के बाहर यहाँ पर चल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते पूरा धुआं जो है वो चारों तरफ यहाँ पे फैला हुआ है। हाथ में आप देख सकते हैं कि पोस्टर बैनर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, कांग्रेसी कार्यकर्ता है। और यहाँ पर आप देखें कि वो लोग यहाँ पर टायर जला के विरोध कर रहे हैं जिस तरह राहुल गांधी से। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अमित शाह के लड़के के ऊपर क्यों जांच नहीं हो रही ईडी की? और भी इतने सारे बीजेपी के नेता उनके ऊपर क्यों जांच नहीं हो रही? सिर्फ सोनिया गांधी पे क्यों हो रही है जांच? क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी मुद्दा पर कार्यकर्ता है जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन जो है वो राहुल गांधी, जो तीसरे दिन पूछताछ हो रही है ईडी ऑफिस के अंदर, उसका विरोध यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, टायर उन्होंने यहाँ पर जलाए हैं। पुलिस बल आप देख सकते हैं, पुलिस जो है वो यहाँ पर अब मौके पर जो है वो पहुंची है, क्योंकि इस सड़क पर पुलिस बल नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब पैरामिलिट्री फोर्स का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है। जिस तरीके से टायर इस सड़क पर जलाए गए हैं, उसके बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है, पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है। और अब इन जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको यहाँ पर हिरासत में लेने की तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो फिलहाल जो पूरी अब कोशिश रहेगी पुलिस की कि जल्द से जल्द इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जाए, जिस तरीके से इन्होंने ईडी दफ्तर के बाहर आके प्रोटेस्ट किया, सड़क पर टायर जलाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब पुलिस फोर्स जो है वो एक्शन में है, पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, अब हिरासत में लिया जा रहा है, सबको डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखते जितने भी कार्यकर्ता है उनको अब डिटेन करना पुलिस ने शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं सबको यहाँ से उठाया जा रहा है, क्योंकि इस सड़क पर, क्योंकि ये ईडी ऑफिस से दूसरी तरफ की सड़क है, और वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो टायर जलाकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, राहुल गांधी से किसी की पूछताछ हो रही थी, उसके विरोध में ये लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और अब इन सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। इस जगह पर, इस सड़क पर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद नहीं था, पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया। इसके अलावा पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे, और इसके बाद अब इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। बस पीछे लगाई गई है, बस पीछे लगा दी गई है, आप देख सकते हैं। और अब इन कार्यकर्ताओं को बसों के अंदर यहाँ पर डाला जा रहा है, टायर जला के जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन इस सड़क पर किया गया, उसके बाद से अब इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर पहुंची है, और अब इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। तो पूरा इस समय ईडी दफ्तर के बाहर पूरा बवाल जो है, पूरा हुड़दंग जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब सभी को डिटेन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक महिला आप देख सकते हैं, उनको भी डिटेन करके महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर बस पर लेकर पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि पकड़ के जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर लेकर जा रही है। तो इस रोड पर जो प्रोटेस्टर यहाँ पर पहुंचे थे, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद नहीं था, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद नहीं थी, टायर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उन्होंने इस सड़क पर जलाए, उसके बाद वहीं पर ही धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर बुलाया जाता है, और अब आप देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। और अब तीखी झड़प जो है वो कार्यकर्ताओं और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच यहाँ पर हो रही है। सभी जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर थे उन सबको डिटेन किया गया है, और सबको बस के अंदर लेकर जाया जा रहा है, सबको यहाँ से तुगलक रोड थाने लेकर जाया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार दो दिनों की अगर बात करें, सोमवार को भी लगभग 459 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया था, और मंगलवार को भी लगभग 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया था। जब भी राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचते हैं तो उसके बाद जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर काफी हंगामा करते हैं, जिसके चलते पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की तैनाती भारी संख्या में
ईडी दफ्तर के बाहर की गई है, लेकिन ये जो कार्यकर्ता है ये ईडी दफ्तर के बाहर ना जाके उसके साथ वाली सड़क पर अंदर आते हैं, वहां पर टायर जलाते हैं, विरोध करते हैं और वहीं पर ही धरने पर बैठ जाते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको यहां पर लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, पकड़ कर उनको लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि लोग यहां पर जो है वो प्रोटेस्ट पर बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे, उसके बाद इन लोगों को यहां पर डिटेन किया गया है। और आप देखेंगे यहां पर अभी जो है वो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर डिटेन किया जा रहा है। और देखेंगे यहां पर जो है वो जो टायर जलाए गए थे वहां पर भी पुलिस जो है पहुंची और उसपे जो मिट्टी डाल के उसको पूरे तरीके से बुझा दिया गया है। अब देखेंगे यहां पर ये टायर जलाए गए थे और यहां पर पूरे तरीके से बदरपुर डाल के इस आग को पूरे तरीके से जो पुलिस है उसने अब बुझा दिया है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो राहुल गांधी से पूछताछ ईडी कर रही है, लगातार तीसरे दिन पूछताछ चल रही है, उसके विरोध में ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे थे, टायर जो है वो इस सड़क पर जलाते हैं, उसके बाद यहीं पर ही धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सभी अब जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। जब पुलिस इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही थी तो काफी तीखी झड़प हमें देखने को मिली, और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी जो झड़प है वो यहां पर चल रही है। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो लगातार यहां पर जो है उनसे तीखी नोकझोंक वो यहां पर चल रही है, लेकिन सभी को अब हिरासत में ले लिया गया है और अब यहां से इनको तुगलक रोड थाने लेकर जाया जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं फिर जो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बस से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो लगातार उनको बस में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा हंगामा ईडी दफ्तर के बाहर यहां पर देखने को मिल रहा है, और यहां पर जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे थे, टायर जलाते हैं, विरोध करते हैं, उसके बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो मौके पर पहुंचती है और उसके बाद यहां से सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। तो फिलहाल पूरा जो हंगामा है वो यहां पर ईडी दफ्तर के बाहर चल रहा है, और फिलहाल जितने भी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।